students and parents, hope you all are well. Today our topic is flowers 1. It is in our book 7, page number 26. Okay students, now in next slide, here students you will see the parts of flower. Okay, here you can see the parts of flower. In this there are, I will tell you just the name, then after I will explain you in deep. Okay, the first part is anther, then stigma, style, ovary, petal, sepal and stem. Okay students, now in next slide, now students we will see what is known as anther. A-N-T-H-E-R, anther kise kehte hain. यहाँ पे ये जो फ्लावर दिखाया है मैंने, ओके, उस फ्लावर में छोटा सा येलो येलो पार्ट है जिसको मैंने एरो करके दिखाया है, ओके, वो बहुत सारे होते हैं ऐसे इस फ्लावर्स में, तो उनको क्या कहते हैं, एंथर, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज नोन एज एंथर, ओके, जो बीच में होता है फ्लावर्स के पार्ट में और येलो येलो छोटा छोटा सा पोर्शंस है, ओके, दिस इज नोन एज एंथर. Now, in next slide, here there is an image of a stigma, S-T-I-G-M-A, stigma. Stigma, आप इस flower में देख सकते हो कि five है और वो red और orange जैसे color के हैं और five दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, okay, ऊपर एकदम, okay, that part is known as stigma, okay, so this is called stigma. Okay, now in next slide, here there is an image of a flower. इसमें हम आपको बताएं कि style किसे कहते हैं, जो stigma जो part है वो नीचे जिस डंडी से जुड़ा हुआ है, that is known as style. Okay, S-T-Y-L-E, style. Okay, after that, now in next slide, here there is an image of a ovary. O-V-E-R-Y, ovary. Ovary किसे कहते हैं? ओवरी मतलब ये जो स्टिग्मा, एंथर, स्टिग्मा और स्टाइल जहाँ से जुड़ के नीचे जहाँ पे आते हैं फ्लावर्स का नीचे के पोर्शन में, वहाँ पे हमने एक राउंड जैसा शेप है, दैट इज नोन एज ओवरी, ओके, ओ वी ई आर वाई, ओवरी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ पेटल, पी ई टी ए एल, पेटल. पेटल यानी पंखुड़िया, ओके, फ्लावर्स की जो पेटल्स यानी पंखुड़िया जो हम अलग अलग कर सकते मैंने दिखाई हुई है, दैट इज कॉल्ड नोन एज पेटल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज द इमेज ऑफ अ सेपल, एस ई पी ए एल. सेपल मीन्स जो फ्लावर्स की जो पेटल्स है, स्टेम है, एंथर है, सॉरी, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सब को और पेटल को जो कनेक्ट करके नीचे जोड़ के जो नीचे का जो पोर्शन होता है फ्लावर का, दैट इज नोन एज सेपल. ओके, जो ग्रीन कलर का हमने आपको दिखाया है, जो ऐसे ओपन हुआ है ग्रीन कलर का, दैट इज नोन एज सेपल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ स्टेम. स्टेम यानी डंडी, एस टी E-M, stem यानी जो फ्लावर जिससे जुड़ के नीचे ग्रीन कलर का जो होता है, that is known as stem. Okay students, so this is the parts of flower. Okay, now in next slide, here we will see the fragrant flowers. Flowers में जो खुशबू होती है, that is known as fragrance. Okay, so here you can see the image of a rose. R-O-S-E, rose. This is known as rose. Rose तरह तरह के होते हैं, different different colors के होते हैं. Okay, now in next slide, here there is an image of a jasmine. J-A-S-M-I-N-E, jasmine. Jasmine is a very beautiful flower. वो बहुत ही खुशबू वाला होता है और white color का होता है. Okay. ओके, उसकी इंस्टेंट स्टिक्स बनती है और बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ फ्रेंजीपनी. ओके, एफ आर ए एन जी आई पी ए एन आई, फ्रेंजीपनी, दैट इज नोन एज चंपा. ओके, ये इसमें भी सिर्फ भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है. ओके, ये फ्लावर्स आपने देखा होगा. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ लिली, L-I-L-Y, lily. Lily is also having a very beautiful
फ्रेग्रेंस, इसका इस्तेमाल जब गार्लैंड बनाते हैं तब उसमें करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड यह देयर इज अ इमेज ऑफ अ मैरीगोल्ड, एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड। ओके, ये इसको गेंदा भी कहते हैं। ओके, ये जो गेंदे का फूल है वो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। ओके, और ब्राउन शेड वाले भी होते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज मैरीगोल्ड। ओके, इसके गार्लैंड्स बनते हैं और डेकोरेशंस में इसका यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर आर नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, जिस फ्लावर्स की खुशबू नहीं होती है, दैट इज नोन एज नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ सनफ्लावर, एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर। ओके, सनफ्लावर इज अ फ्लावर जिसके जो सीड्स होते हैं उसमें से ऑयल बनता है। ओके, और उसकी खुशबू नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ एस्टर, ए एस टी ई आर, एस्टर। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उसमें खुशबू नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ फ्लावर दैट इज नोन एज कार्नेशन, सी ए आर एन ए टी आई ओ एन, कार्नेशन। ओके, इट्स ऑल्सो इन डिफरेंट कलर्स। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड यू स्टूडेंट्स यू कैन सी एन एक्टिविटी दैट इज ऑन योर पेज नंबर 23, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ लोटस, यहाँ पे एक लोटस का इमेज है। ओके, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रेस अलोंग द डॉटेड लाइन टू कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कलर डॉटेड लाइन को कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ कलर इन लोटस, लोटस इज इन पिंक कलर और इसके जो लीफ होता है दैट इज ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, और लोटस कहाँ पे उगता है, तालाब में उगता है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज एन एक्टिविटी दैट इज ऑन योर पेज नंबर 33, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ वास। ओके, सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको ट्रेस अलोंग द डॉटेड लाइन टू कंप्लीट द वास, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ योर चॉइस टू डिजाइन द वास एंड कलर इट। यहाँ पे ये जो वास है उसका डॉटेड लाइन को पहले आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद उस वास के अंदर आपको जो पैटर्न अच्छा लगे वो आपको ड्रॉ करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कलर इट। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस। Now, thank you students and parents. Stay safe at home.